अब हम लोग देखते हैं भारत के लाइब्रेरी साइंस के जनक, भारत में लाइब्रेरी साइंस के जनक, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन है, उसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें। तो उनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1892 को। हालांकि ये कंट्रोवर्सी भी है उनके जन्मतिथि में, कहीं कहीं पर कई ऑथर मतलब ऑथेंटिक और इंसाइक्लोपीडिया लाइब्रेरी साइंस जो है उसमें भी उनका जन्मतिथि 9 अगस्त लिखा गया है, 9 अगस्त लिखा गया है। और ऐसी बात कई जगहों पे 9, कई जगह पे 12 अगस्त लिखा गया है। और जैसा कि बोला जाता है कि उनका वास्तविक जन्मतिथि 9 अगस्त था, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट में 12 अगस्त था। और ये भारत है, भारत में हम लोग रहते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम लोग की वास्तविक जन्मतिथि वही मानी जाती है, चाहे कई तरह के जो हम लोग ज़िंदगी में चाहे सर्विस कर रहे हैं, चाहे कुछ और भी करने जाते हैं, तो वही मानी जाती है जो कि जन्मतिथि, जो जन्मतिथि निर्धारित किया गया होता है सर्टिफिकेट द्वारा। तो 12 अगस्त को ही उनका ऑथेंटिक माना जाता है। तो 12 अगस्त को जन आईएलए ने भी जो पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस जो मनाने की घोषणा की, तो इसका अर्थ है कि 12 अगस्त को आईएलए द्वारा या अन्य जो संस्थान हैं भारत के, जो उनके द्वारा भी 12 अगस्त को ज़्यादा महत्व दिया जाता है उसके जन्मतिथि के रूप में। तो जन्मतिथि 12 अगस्त को 1892 में मृत्यु डेट ऑफ मतलब डेथ की, मृत्यु कब हुई थी उनकी, 27 सितंबर 1972। तो यह जो है ईयर भी याद रखिए और डेट भी याद रखिए, 27 सितंबर को। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता किस तिथि को उनकी मृत्यु हुई थी, किस मंथ में हुई थी, यह भी पूछा जाता है। प्लेस कहाँ पर था, सयाली। उनका पूरा नाम क्या था, सयाली रामामृत रंगनाथम, रंगनाथन सयाली रामामृत रंगनाथन, लाइब्रेरियनशिप मतलब लाइब्रेरी साइंस में उसने उनके करियर की शुरुआत कब हुई थी, 1924 ईस्वी में हुई थी। उनके पहले वह मैथमेटिशियन थे। और इसके बाद वह जो है 1924 में लाइब्रेरी साइंस में उनका जो शुरुआत हुआ, उससे पहले गणित गुरु जो उनके थे, मैथमेटिक्स के जब वो प्रोफेसर थे, तो उस समय उसके मैथमेटिक्स के जो गुरु माने जाते हैं वो गुरु थे बी एस रोस। पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र पे यह भी प्रश्न आता है, पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र पर किनका प्रभाव रहा है, तो उनके गणित गुरु बी एस रोस का रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर जिक्र करना उचित समझा कि गणित गुरु का भी बताया जाए, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि पुस्तकालय विज्ञान के गणित गुरु किसे माना, मतलब पहले सूत्र पे, पुस्तकालय विज्ञान के पहले सूत्र पे रंगनाथन साहब पर किसका प्रभाव था, तो गणित गुरु उनके जो थे बी एस रोस का, उनके एलआईएस टीचर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस गुरु जो लाइब्रेरियन के माने जाते हैं वह बी डब्ल्यू सी बी सेयर्स, सेयर्स महोदय जो इंग्लैंड के थे। रंगनाथन साहब को जो प्रमुख कुछ जो अवार्ड मिले हैं, वो अवार्ड इस प्रकार हैं। रंगनाथन साहब को जो प्रमुख अवार्ड मिले हैं, राव साहब की उपाधि उनको मिली थी 1935 में, तत्कालिक ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था। तत्कालिक मतलब उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, भारत सरकार था, डिलिट की जो इनको उपाधि प्रदान की गई थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1948 में, और पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा 1964 में, दोनों यूनिवर्सिटी द्वारा उनको दिया गया था। 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा, 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा डिलिट की उपाधि उनको बहुत ही नामी गिरामी हस्तियों के साथ दिया गया था, उनमें से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो उनसे आप डॉक्टर एस आर रंगनाथन का कद आसानी से समझ सकते हैं कि वो भारत के शिक्षाविद के रूप में, ना सिर्फ लाइब्रेरी साइंस के रूप में बल्कि भारत के शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी कितनी मजबूत पकड़ रखते थे।
पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा 1964 में भी उन्हें डिलीट की उपाधि, मतलब दोनों यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया था। 1957 में उसे भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई थी। पद्मश्री डॉक्टर एस आर रंगनाथन को 1957 ईस्वी में मिला था और यह बहुत बड़ी उपाधि होती है भाई, भारत सरकार द्वारा दी जाती है। नेशनल प्रोफेसर की उपाधि, नेशनल प्रोफेसर इनको बनाया गया 1965 में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को नेशनल राष्ट्रीय प्रोफेसर कब घोषित किया गया 1965 में। सर मैरिस ग्वायर जो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, मैरिस ग्वायर जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो वाइस चांसलर थे, उनके द्वारा उनको दो उपनाम दिया गया, एक फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में बड़ा, कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया की उपाधि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को किसने दिया था, तो मैरिस ग्वायर ने दिया था। और उन्होंने एक और उपाधि दिया था, ए प्रिंस अमोंग लाइब्रेरियंस। यह भी उपाधि सर मैरिस ग्वायर ने, सर ये इंग्लैंड का जो उपाधि है इनको मिला था, सर मैरिस ग्वायर को सर की उपाधि इंग्लैंड सरकार देती है। तो वो तो उस समय में यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के थे, उन्होंने यह उपाधि उनको दिया था। एस आर रंगनाथन को 1970 में मार्गरेट मन अवार्ड दिया गया था। ALA के द्वारा 1970 में। 1992 में इफला के कॉन्फ्रेंस में पोस्टल स्टाम्प भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। एस आर रंगनाथन के ऊपर में पोस्टल स्टाम्प जारी किया गया था और उस समय किसी भी व्यक्ति के नाम पे पोस्टल स्टाम्प जारी किया जाना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती थी, बहुत बड़े सम्मान की बात होती थी। पोस्टल स्टाम्प जारी किया तो 1992 में उनके सम्मान में पोस्टल स्टाम्प जारी किया था, इफला कॉन्फ्रेंस में किया था। फाइव ऑफ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो 1928 में उन्होंने रचित किया था, मतलब इसकी संकल्पना 1928 में मीनाक्षी कॉलेज के अन्नामलाई नगर के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में पहली बार प्रकाश डाला था, जो कि 1931 में पब्लिश्ड हुई थी, एक पुस्तक के रूप में पब्लिश्ड हुई थी। कुछ जैसे 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन आया, 1934 में CCC क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड आया और 1964 में अंतिम ये पांचवा संस्करण, लेटेस्ट संस्करण CCC का आया। तो जब हम लोग क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग वाले यूनिट में देखते हैं तो वहाँ पर CCC कोलन जैसी चीज़ों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, इस पुस्तक की रचना 1938 में रंगनाथन साहब द्वारा किया गया था और इसमें चैन इंडेक्सिंग का, सर्वप्रथम चैन इंडेक्सिंग का प्रयोग किया गया था। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग जो है यह कब आया था, चैन इंडेक्स का जो आया था, चैन इंडेक्स का प्रयोग जो CCC के साथ आया था, लेकिन 1934 में जब CCC का निर्माण आया था तो उसके साथ चैन इंडेक्स का उन्होंने कोई सिद्धांत नहीं दिया था। और थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक में जो 1938 में आई थी उसमें इसकी संकल्पना की गई थी। नेक्स्ट जो पुस्तक है प्रोलोगमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यह 1937 में प्रकाशित हुई थी। इसका फर्स्ट एडिशन 1937 में आया था, सेकंड एडिशन जो है 1957 में आया और थर्ड एडिशन 1967 में आया। तो फर्स्ट एडिशन 1937 में आया, काफ़ी चर्चित पुस्तक है, और 1967 में थर्ड एडिशन आया जो लेटेस्ट। तो लाइब्रेरी से संबंधित जो क्लासिफिकेशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो कोलन क्लासिफिकेशन की रचना जो उन्होंने किया उससे संबंधित कई थ्योरी, कई तरह के प्रिंसिपल्स का वर्णन प्रोलोगमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में उन्होंने किया है। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पे पहली पुस्तक उनकी 1935 में आई थी और पूरे दुनिया में सिर्फ लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लिखी गई यह पहली तरह की अपनी तरह की पुस्तक थी। और इस पुस्तक का फॉरवर्ड
आर लिटल हेल्स द्वारा लिखा गया था, आर लिटल हेल्स के द्वारा में लिखा गया था लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक का फॉरवर्ड। हम लोग जैसा जानते हैं कि फॉरवर्ड हमेशा किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा उस फील्ड का, जिस फील्ड का पुस्तक लिखा जाता है उसके द्वारा लिखा जाता है। इन सभी पुस्तक के पब्लिशर, मतलब जो ऊपर में हमने जितना मुख्य मुख्य वर्णित किया, एक शब्द में आप ये समझिए कि 1950 से पहले की जितनी भी रंगनाथन की पुस्तक आई, सारे पुस्तक का पब्लिशर मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन माला, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है उसके द्वारा किया गया था। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन भी जनवरी 1928 में, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन भी जनवरी 1928 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के प्रयासों से ही हुआ था। तो इस तरह से यह जो है, यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन जो 1928 में हुआ था, और यह किसके द्वारा किया गया था, यह किया गया था एस आर रंगनाथन के द्वारा। लेकिन उसके सहयोगी का प्रश्न अगर पूछ दे तो काफ़ी ये डीप से प्रश्न हो जाता है, फिर भी हम लोग को जानना। उनके जो मुख्य सहयोगी थे इसके गठन में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, के वी कृष्णा स्वामी अय्यर, के वी कृष्णा स्वामी अय्यर के साथ सहयोग करके उन्होंने मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन को की स्थापना की थी। अब डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा स्थापित मुख्य जो संस्था है, मुख्य संघ जो है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। आईएलए जो है, आईएलए इसकी स्थापना 12-13 सितंबर को कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुआ था 1933 में 12-13 सितंबर को कॉन्फ्रेंस हुआ था। और इसमें जो है मुख्य भूमिका उस समय माला की रही थी कॉन्फ्रेंस में। तो यहाँ पर जो है इसी में स्थापित किया गया था आईएलए की, और आईएलए की जो स्थापना हुई थी इसमें 12 सितंबर या 13 सितंबर, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन कोई भी कॉन्फ्रेंस जब दो दिनों का होता है तो कोई भी बड़ी घोषणा जो कॉन्फ्रेंस का मिनट्स जो होता है, उसका फिर एजेंडा जिस पे चर्चा होती है, तो अंत में जो उसका कंक्लूजन होता है तो उसकी घोषणा अंतिम दिन की जाती है। इसलिए 13 सितंबर को इसकी स्थापना मानी जाती है। दूसरा जो संस्था, जो जो दो मुख्य जो लाइब्रेरी एसोसिएशन जो रंगनाथन साहब ने स्थापित किया था, उसमें से एक तो आईएलए है, और मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में हम लोग चर्चा किए कि यह 1928 में स्थापित किया गया था उनके द्वारा। उनके द्वारा DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना जनवरी 1962 में की गई थी। और यह जो स्थापना किया गया था, इसका इनोग्रल, इसका जो है उद्घाटन किसने किया था, CD देशमुख द्वारा। CD देशमुख जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, उन्होंने किया था। LRC लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल, LRC लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल की स्थापना उन्होंने दिल्ली में किया था 1951 ईस्वी में। लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल की स्थापना उन्होंने कब किया था, दिल्ली में किया था 1951 में। सरल शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, शारदा उनकी पत्नी का नाम था, इसकी स्थापना 1961 में उन्होंने किया था, लेकिन 1963 में इसे पंजीकृत किया गया था। तो रजिस्ट्रेशन जब किया गया उसी दिन को ऑथेंटिक माना जाना चाहिए। ऐसे एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन हो कि कब स्थापित शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना कब की गई, तो वह 1961 और 1963 अगर दोनों हो तो 1963 को सही माना जाएगा। अगर 1963 ऑप्शन में ना हो, 1961 ही हो, तो 1961 को सही माना जाएगा, और 1963 हो तो उसे सही माना जाएगा। सरल द्वारा लाइब्रेरी साइंस विथ सलांट डॉक्यूमेंटेशन नामक पत्रिका 1964 से प्रकाशित की जाती, 63 में सरल की स्थापना हुई और 1964 से उन्होंने एक पत्रिका निकालना संस्था द्वारा शुरू हुआ, लाइब्रेरी साइंस विथ स्लांट टू डॉक्यूमेंटेशन, इस नाम से एक पत्रिका निकालना शुरू हुआ। और अब वर्तमान में जो है इस पत्रिका का जो नाम है, इसका नाम वर्तमान में इसका नाम है सरल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट,
वर्तमान में जो पत्रिका पहले जो लाइब्रेरी साइंस है सलांट टू डॉक्यूमेंटेशन के नाम से जो प्रकाशित हुआ था, शुरू हुआ था 1964 में, उसका वर्तमान नाम है सरल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, और यह क्वार्टरली जर्नल है, त्रैमासिक क्वार्टरली मतलब रंगनाथन साहब द्वारा अपने प्रकाशन की कॉपीराइट, वर्तमान में जितनी भी पुस्तक इनकी आ रही है उनका कॉपीराइट सरल के ही पास है, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस के पास है, और स्थापना के बाद इनको उन्होंने दे दिया कि नहीं अब से मेरी जितनी भी पुस्तक है उस पुस्तक का जो है उस पुस्तक की कॉपीराइट अब इसके पास रहेगा। रंगनाथन साहब ने 1931 में अपने लिए छद्म नाम का प्रयोग किया, स्यूडोनिम का प्रयोग किया। पहले अंग्रेज के शासनकाल में बहुत सारी जब लिखने पे पढ़ने पे अपने अभिव्यक्ति की सुंदरता पे बहुत सारा रोक लगा था, उस समय कई लोग छद्म नाम से भी लिखते थे। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण प्रेमचंद है, सब लोग जानते हैं कि प्रेमचंद का ओरिजिनल नाम प्रेमचंद नहीं था। इसी तरह द हिंदू अखबार के एक लेख में, द हिंदू अखबार के एक लेख में 1931 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा अपने लिए दो छद्म नाम का उपयोग किया गया था, एक लिब्रा और एक अरिथमेटिकस। तो यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि रंगनाथन साहब ने अपने लिए किस छद्म नाम का उपयोग किया था, तो लिब्रा का उपयोग उन्होंने किया था। कब किया था? 1931 में, और किसके लिए किया था? द हिंदू अखबार के एक आलेख में उन्होंने एक लैंग्वेज जो है अपने लिए जो स्टेटमेंट किया था कि गॉड हैज चोजन मी एज ए इंस्ट्रूमेंट, द हॉनर डन टू मी शुड एक्ट एज एन, मतलब यहाँ तो उन्होंने मुख्य रूप से जो ये किया था कि यंगर जनरेशन को लाइब्रेरी सर्विस पहुँचाने के लिए लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई हो या उसकी सेवा को पहुंचाने के लिए भगवान ने मुझे चुना है, मुझे एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में चुना है, और यंगर जनरेशन टू डिवोट देयर लाइफ्स, यहाँ पर इस तरह का जो भी सर्विस है लाइब्रेरी साइंस का, हमें भगवान ने, गॉड ने यंगर जनरेशन मतलब जो नई जो पीढ़ी लाइब्रेरी साइंस की आएगी, तो उनका कहना था कि भगवान ने मुझे चुना है कि हम नई पीढ़ी को, यंगर जनरेशन को लाइब्रेरी साइंस और सेवा के बारे में, एजुकेशन के बारे में हम वहाँ पर उसको आगे बढ़ाएं और वहाँ तक पहुँचाएं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो कि इनका जन्म 12 अगस्त को ही हम लोग मानते हैं, 9 को भी, 12 अगस्त 1892 को इसका जन्म अगस्त में हुआ था, लेकिन 9 अगस्त को भी प्रमाणिक बताया जाता है। तो 9 अगस्त को भी हम लोग अगर ऑप्शन में कभी तिथि, किस तिथि को जन्म हुआ था उसमें 12 अगस्त ना हो के 9 अगस्त हो, तो 9 अगस्त को सही माना जाएगा। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने बीए, जो बीएससी जो होता है वह उपाधि लिया था, जब गणित में एमए भी किया बीए भी किया। उस दौरान एडवर्ड बी रॉस के संपर्क में वो आए थे, और इसी कारण से उनको उनके जो गणित गुरु माने जाते हैं, रॉस साहब माने जाते हैं, उसके जो गुरु है ना, उनका यहाँ पर मैंने पहले भी चर्चा किया है कि उनका प्रभाव रहा है, उनका प्रभाव रहा है पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र के निर्माण पर उनका प्रभाव रहा है। तो यह प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र के निर्माण पर किसका प्रभाव रहा है, तो वह प्रभाव रहा है एडवर्ड बी रॉस का, जो उनके गणित गुरु है। 1924 में जब रंगनाथन साहब ने मद्रास यूनिवर्सिटी में
पुस्तकालय अध्यक्ष का प्रभार संभाला, तो उसकी योग्यता हासिल करने के लिए वो इंग्लैंड गए। वो इतने डिवोटेड हो गए उसको लाइब्रेरी साइंस में, जब उन्हें प्रभार उनको मिला तो उससे काम करने के लिए, उसको सीखने के लिए उन्होंने खुद को योग्य बनाने के लिए इंग्लैंड गए। और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई WCB सेयर्स महोदय से, और इसी तरह से सेयर्स महोदय जो है उनके पुस्तकालय विज्ञान गुरु माने जाते हैं। पुस्तकालय विज्ञान गुरु उनके माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? WCB सेयर्स। और 1945 से 47 के दौरान वो BHU में पुस्तकालय अध्यक्ष रहे और पुस्तकालय विज्ञान के प्रोफेसर, पुस्तकालय अध्यक्ष भी रहे, पुस्तकालय विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। और 1947 से 54 के दौरान दिल्ली में, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन का काम किया। और 1947 से 54 के दौरान जो दिल्ली विश्वविद्यालय में रहे, इसी दौरान उन्होंने लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल 1951 में दिल्ली में स्थापित किया था। 1954 से 57 के दौरान वह ज्यूरिक स्विट्जरलैंड गए और वहाँ पर रिसर्च संबंधित कार्यों में वो संलग्न रहे। तो रंगनाथन साहब का एक जो मद्रास यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरियन के रूप में जो कैरियर शुरू हुआ, उसके बाद BHU जैसे प्रतिष्ठित जगहों में 1945 से 47 वहाँ पर अध्यापन किया, 47 से 54 तक फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना उतना समय दिया। उसके बाद वो फिर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड शोध के लिए चले गए, 3 साल वहाँ भी रहे। फिर उन्होंने जब वो वापस आए तो फिर उन्होंने बंगलोर में DRTC की स्थापना किया और 62 में उन्होंने स्थापना किया था। उसका स्थापना किसने किया था, उद्घाटन किया था? CD देशमुख द्वारा, हमने पहले भी बताया। तो 1962 में उन्होंने सुदूर जगहों में, मतलब जो दूर दराज के जगहों के लिए जो बैलगाड़ी से लाइब्रेरी सर्विस प्रदान करने की उन्होंने कोशिश की, उन्होंने शुरुआत की कि वहाँ तक हम पहुँचाएंगे। उस समय इतनी सारी व्हीकल्स की सुविधा नहीं थी, ट्रैक्टर नहीं था, गाड़ी नहीं थी, GP नहीं हुआ करती, तो बैलगाड़ी से उन्होंने सेवा जो शुरू किया था उसका नाम रखा था लिब्रा चेन। तो उन्होंने लिब्रा चेन का जो प्रयोग किया था वो बुक मोबाइल के लिए किया था, लिब्रा चेन का प्रयोग किया था बुक मोबाइल के लिए। बाद में उन्होंने मोबाइल लाइब्रेरी, या ध्यान में रखिएगा, मोबाइल लाइब्रेरी के लिए उन्होंने लाइब्रेरी ऑन व्हील का प्रयोग किया था। या प्रश्न पूछा जाता है कि रंगनाथन साहब द्वारा मोबाइल लाइब्रेरी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो लाइब्रेरी ऑन व्हील का प्रयोग किया गया था। और लिब्रा चेन का प्रयोग उन्होंने बुक मोबाइल के लिए किया था, जो कि 1962 में लिब्रा चेन का प्रयोग उन्होंने किया था, बुक मोबाइल सेवा सुदूर क्षेत्रों में बैलगाड़ी से पहुंचाने के लिए उन्होंने वो किया था। भारत सरकार द्वारा उनको 1957 में पद्मश्री की उपाधि दिया गया था। उनके जन्म के दिन मतलब 12 अगस्त को पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जाता है। 1965 में उन्हें राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक नियुक्त किया गया था। यहां पर उनको जो सम्मान उपाधि जो मिला गया है, जो हमने आगे बताया, जो हम लोगों ने देखा, उसको एक टेबल के रूप में यहाँ पर नोट्स में प्रदान किया गया, ताकि आसानी से आप लोग समझ सकें। सम्मान उपाधि जो उनको मिला है वर्ष और किसके द्वारा दिया गया, तो पद्मश्री मिला 1957 में भारत सरकार द्वारा। राव साहब की उपाधि तत्कालीन भारत सरकार द्वारा 65 में भारत सरकार द्वारा नेशनल रिसर्च प्रोफेसर की उपाधि मिला था। मार्गरेट मन अवार्ड 1970 में ALA द्वारा, डिलिट 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा, 1964 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया। पोस्टल स्टाम्प 1992 में भारत सरकार द्वारा इफला सम्मेलन में जारी किया गया था। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया और प्रिंस अमंग द लाइब्रेरियन मैरिस ग्वायर द्वारा उनको उपाधि दिया गया था। लिब्रा और अरिथमेटिकस
यह दोनों उपाधि उन्होंने स्वयं धारण किया था छद्मनाम के रूप में। 1931 में द हिंदू अखबार के लिए उन्होंने छद्मनाम के रूप में इसका उपयोग किया था, इन दो उपाधि का उन्होंने उपयोग किया था। उनकी शुरुआती सभी पुस्तक, हमने पहले भी बताया, उनकी शुरुआती सभी पुस्तक जो है माला द्वारा प्रकाशित किया जाता था, जैसे फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस हो, कोलन क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड हो, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो पहला संस्करण प्रोलोगमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है आदि, ऐसा जो है स्थापित जो जब तक नहीं हुआ था सरल, मतलब सरल रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, तब तक इसकी जो है ना पूरे जो प्रकाशन का कार्य माला द्वारा किया जाता था। फिर उन्होंने सारा कॉपीराइट सरल को दे दिया। शारदा रंगनाथन इंडोमेंट की जो कि स्थापना 61 में 63 में उसे फिर पंजीकृत किया गया था। बुक जो प्रमुख बुक जो लाइब्रेरी साइंस का रंगनाथन साहब द्वारा लिखा गया वो है, देखिए, फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में, कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड 1934 में, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1935 में, प्रोलोगमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में, फिर सेकंड एडिशन जो कोलन क्लासिफिकेशन का 1939 में आया था, सजेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरीज इन इंडिया 1946 में, कोलन क्लासिफिकेशन का थर्ड एडिशन 1950 में आया, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951 में लिखा था उन्होंने, फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1951 में लिखा था, लाइब्रेरी मैनुअल जो है 1951 में लिखा था, लाइब्रेरी बुक सेलेक्शन 1952 में लिखा था, कोलन क्लासिफिकेशन फोर्थ एडिशन जो आया था 1952 में आया था, हेडिंग एंड कैनन्स 1955 में, प्रोलोगमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1957 में सेकंड एडिशन आया था, कोलन क्लासिफिकेशन का 5वां जो संस्करण आया था 1957 में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट जो संस्करण जो है जो चलन में है 6th edition 1963 में आया था, 1963 में 6th edition आया था जो अभी उसका चलन है। लेकिन इसका रिवाइज्ड एडिशन, 6th edition का जो रिवाइज्ड एडिशन जो हुआ था, जिसमें से अलग अलग चिन्हों का प्रयोग जो जब चौथे से जो शुरू हुआ था उसके बाद जो चल रहा था, तो उसके बाद कई चीज़ें हैं जो 6th edition में नई थी, और 6th revised edition में जो नवीन उसमें किया गया, सारे एडिशन का कोलन क्लासिफिकेशन की विशेषताओं में हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें आप देखिए तो उसमें सारा चीज़ है कि 6th edition जो अभी जो चल रहा है तो वह यही एडिशन 6th revised edition का ही रिप्रिंट एडिशन जो 1963 में आया था उसी का अभी तक रिप्रिंट एडिशन हर जगह उसकी पढ़ाई हो रही है। रेफरेंस सर्विस 1961 में आया था, प्रकाशित हुआ, डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट्स 1963 में, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड 1964 में, इसका 5th edition आया था, लेटेस्ट एडिशन, इसके बाद इसका एडिशन नहीं आया है, इसके बाद इसका एडिशन नहीं आया है, तो ये 5th edition जो है यही CCC का लेटेस्ट एडिशन है। इसके बाद लाइब्रेरी बुक सेलेक्शन जो है 2nd edition 1966 में आया, प्रोलोगमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 3rd edition 1967 में आया, रामानुजम द मैन एंड द मैथमेटिशियन, यह इनकी पुस्तक लाइब्रेरी साइंस से हट के है, यह गणित पे पुस्तक है। सब जानते हैं कि रामानुजन भारत में गणित के क्षेत्र में कितनी बड़ी हस्ती थे, और रंगनाथन साहब का गणित से भी नाता रहा है, तो रामानुजन के सम्मान में उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी द मैन एंड द मैथमेटिशियन, रामानुजन द मैन, वो 1967 में आया था। डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट या 1973 में लिखी थी उन्होंने, और उनकी जो बायोग्राफी आई थी, ऑटोबायोग्राफी, जिसको बाद में पी एन कौला काफ़ी करीबी रहे थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के, और एक तरह से प्रोफेशनल
पुत्र के रूप में भी उनको जाना जाता है कि उसका उनका संबंध एक तरह से मतलब काफ़ी घनिष्ठ था, पिता पुत्र की तरह था, वो प्रोफेसर तो उन्होंने एडिट किया था, उनके एडिटर इस पुस्तक ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक, पुस्तक का टाइटल है ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ऑटोबायोग्राफी का अर्थ होता है स्वलिखित, स्वलिखित मतलब डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अपने जीवन की जो जीवनी लिखी थी, हालांकि उनकी मृत्यु हो गई उनके बाद ये छपा, तो उनको फिर एडिट करके पी एन कौला साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया और उन्होंने एडिट करके 1992 में प्रकाशित किया गया था। तो यह भी पूछा जाता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जीवनी का नाम क्या है, तो ये लाइब्रेरियन लुक्स बैक जो है ये हमने पहले भी चर्चा किया, कौन कौन सा संस्था उन्होंने स्थापित किया गया था उसमें क्या क्या योगदान दिया था, प्रमुख रूप से कब कब किया गया था स्थापित, तो उसको एक बार फिर से टेबल के रूप में है। आईएलई 1933 में, माला 28 में, डीआरटीसी 62 में, सरल 63 में, एलआरसी लाइब्रेरी सर्कल 1951 में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन का पुस्तकालय विज्ञान में, ना सिर्फ भारत के पुस्तकालय विज्ञान में बल्कि पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में कितना अहम योगदान रहा है, और यही वजह है कि उनको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है।